देश के लिए जान दे सकते हैं यार, यदि अभी यहाँ पे कोई अटैक हो गया तब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज जो है ये हम जा रहे हैं सेंट्रल पार्क घूमने, जो कि जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम के पास में है। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कितना बड़ा पार्क है और कौन कौन सी फैसिलिटी है और क्या क्या आप उसके अंदर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें की हम बात करने वाले हैं। तो चलो डायरेक्ट चलते हैं हम सेंट्रल पार्क, मैं और दोस्त जाएंगे एज यूजुअल। ठीक है, सो लेट्स गो। सो गाइस, अभी हम सेंट्रल पार्क में आ गए हैं। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हमको यहाँ पर दिख रही है, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी ये है कि मतलब बाहर के साइड में हमने गाड़ियाँ देखी तो BMW, ऑडी, सारी गाड़ियाँ खड़ी है। मतलब बड़े बड़े लोग भी यहाँ पे आते हैं, राइट? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सो जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा शांत एरिया लग रहा है यहाँ पर, है ना? अच्छा। एंड ग्रीनरी तो यार कहना ही नहीं है। मतलब ऐसा है कि पिकनिक वगैरह पे आ सकते हो तुम यहाँ, इसके अलावा दोस्तों से मिलना हो, कोई मीटिंग करनी हो तो यहाँ पे आ सकते हो, राइट? और व्यू देखो एक बार, आप लोग भी देखो व्यू, फिर आपको पता चलेगा कि कितना ग्रीन है, कितना मतलब शांत इलाका लग रहा है। ये देखो, ये देखो, सब जगह पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ। सो अभी तक बात करें कि मतलब कैसा लग रहा है पार्क, पार्क तो बहुत बढ़िया है यार, शांति की ज़िंदगी है यहाँ पे। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? ठीक है। एंड इसके अलावा फैमिली भी है, सारे टाइप्स के लोग यहाँ पे हमारे पास दिख रहे हैं। सो गाइस, यदि मैं बात करूँ कि ये यहाँ पे कितने किलोमीटर्स में है, तो किलोमीटर्स तो अराउंड 1-1.5 किलोमीटर में है, बट जॉगिंग पाथ जो है यहाँ पे वो 5 किलोमीटर्स में है। ठीक है, जिग जैग पूरा। तो मतलब एक बार भी यदि आप 5 किलोमीटर्स चल लेते हो तो समझ लो कि आपकी जॉगिंग कंप्लीट हो गई पूरे दिन की, राइट? सो अभी हम भी थोड़े बैठ लेते हैं, थक गए हैं क्योंकि कब से चल ही रहे हैं। चलो इधर ही बैठो, इधर ही देखो, ऐसी बेंच आपको बहुत सारी मिल जाएगी बैठने के लिए, है ना? ओके। यहाँ पे गाइस आने का एक ही मतलब हो सकता है यदि कोई भी आ रहा है, कि सुकून वाली ज़िंदगी, और या फिर किसी से मिलने, या फिर कोई मीटिंग करने, कोई पिकनिक मनाने, या फिर ऐसी टेंट वेंट लगा के आप यहाँ पे रह सकते हो, राइट? एंड यहाँ पे कुछ ज़्यादा देखने का नहीं है, यदि हो सके तो आपको यहाँ पे कुछ बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। एंड देन आपको ग्रीनरी तो मतलब कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जवाहर सर्कल से भी ज़्यादा ग्रीनरी मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। यदि आप यहाँ पे पूरा घूमते हो, पूरा एक राउंड लगाते हो, तो आपको अराउंड 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जगह मतलब ये ख़राब है, जगह बहुत ही अच्छी जगह है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आज सैटरडे का भी दिन है, तो बहुत सारे लोग और ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि वीकेंड है, सेलिब्रेट करना है बच्चों के साथ में, गर्लफ्रेंड के साथ में, राइट? सो वो सारी भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। सो गाइज, अभी हम यहाँ पे फोटोज और वीडियोस ले रहे हैं, देखो आप भी देखो। सो गाइज, अभी हमने भी इंजॉय कर लिया है यहाँ पे सेंट्रल पार्क में। एंड ये है हमारा कौन सा था, हाँ, स्टैचू सर्कल के पास में है ये। आप भी आओ, इंजॉय करो बच्चों के साथ में और फैमिली के साथ में, गर्लफ्रेंड के साथ में, क्या बोला तूने, किसी के भी साथ में इंजॉय करो आके, बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे, हमको भी बहुत मज़ा आया। सो गाइज, ये है यहाँ का सेंट्रल, सेंट्रल पार्क का सेंट्रल। देखो फ्लैग होस्टिंग हो रखी है यहाँ, एंड इसके साथ साथ में यहाँ पे फोटोज़ बहुत लोग खिंचवाते हैं। ये देखो, ये है फ़ोटो खींचने का प्लेस, ठीक है? और यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग हो रखी है। कितना ऊंचा, कितने फीट का होगा ये, कितने फीट का होगा, क्या है? तिरंगे से संबंधित कुछ हो सकता था, लाल किले पर तिरंगा पहली बार 16 अगस्त 1947 को फहराया गया था, ना कि 15 अगस्त 1947। ओ, मतलब इतने दिन से भ्रम में थे।
Seriously. मतलब देश का एकमात्र ऐसा भवन है जिस पर एक साथ तीन तिरंगे फहराए जाते हैं। ओ भाई साहब, 26 जनवरी का दिन राष्ट्रपति वो 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री राजपथ पर लाल किले पर जो तिरंगा फहराते हैं वह रेशमी खादी का होता है, न कि सूती खादी का, जिसे वर्ष के अन्य दिनों में प्राय भवनों पर फहराया जाता है। अंतरिक्ष यान अपोलो 15 द्वारा तिरंगे ने पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की। कब किया था? 1971 में। बहुत सारी चीजें हैं तो यहाँ से आप पढ़ लो, देखो ठीक है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ लो, क्लियरली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। और ये मतलब कि बहुत बड़ा यार भ्रम था, मेरे भी 15 अगस्त को फहराया गया था पहली बार, लेकिन 16 अगस्त को फहराया गया था। चलो ये 7% ये देखो, निधि लव प्रदीप। रुको जरा, सबर करो, ऐसे ऐसे कलाकारी तो होते हैं हमारे यहाँ पे। ये देखो सुरेश वेड्स प्रद्युमन, गुड्डू 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 गुड्डू। ये भाई यहाँ पे तो कलाकारी की मात दे दी गई है भाई, वही तो। क्या है ये सब भाई, इतना ऊंचा तक लिखा गया है। अरे भाई साहब वो देखा काट के चली गई खुशबू प्रिया महिमा बिट्टू। कौन है ये लोग? ये भाई वो वहाँ वहाँ तक कैसे लिखा होगा? आप तो बस मजे लो यहाँ पे, फोटो वोटो खिंचवाओ, वीडियोस वगैरह बनवाओ यहाँ पे, ठीक है। पूछा मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, वहाँ से आता हूँ, वहाँ से, ठीक है। हाँ, ये है यहाँ का एंजॉयमेंट, और यहाँ का ग्रीन दिखाओ, ग्रीनरी यहाँ कुछ भी हो, लेकिन फ्लैग देखकर मन कर रहा है कि देश के लिए अभी जान दे दे। देश के लिए जान दे सकते हैं यार, यदि अभी यहाँ पे कोई अटैक हो गया तब। बात तो सही है। सो गाइज, यहाँ पे पूरा सेंट्रल पार्क हमने घूम लिया है, अब हम जा रहे हैं घर। तो चलो बाइक निकालो वहाँ से, आ जाओ वहाँ है, वहाँ ये है यहाँ का पार्किंग। सो गाइस, अभी हम फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं और आपको मैंने दिखाया पूरा सेंट्रल पार्क। यदि आपको पसंद आया तो आप भी जाओ वहां पर, टाइम स्पेंड करो फैमिली के साथ में, दोस्तों के साथ में, बहुत मजा आने वाला है। हमने भी बहुत ज्यादा इंजॉय वहां पे किया। एंड एंट्री फीस कुछ भी नहीं है, पार्किंग का भी कुछ भी 1 रुपया नहीं है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। हरियाली हरियाली आपको सिर्फ वहाँ पे दिखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी तो हम आ गए हैं घर पे, अब खाना वाना खाएंगे, राइट। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल द टाइम बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।